हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पीजीआईएमआर की बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग होने वाली है उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। काउंसलिंग के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, रिजल्ट से लेके काउंसलिंग प्रोसेस तक डिस्कस करने वाले हैं, और वहाँ ये भी देखेंगे कि तुम्हारी वहाँ पर टोटल फ़ीस कितनी लगती है, ओवरऑल ट्यूशन फ़ीस कितनी लगेगी, तुम्हारी टोटल फ़ीस कितनी लगेगी। तो ये सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट 7 अगस्त को मोस्ट प्रोबेबली वेबसाइट पे डिस्प्ले हो जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं रिजल्ट आते ही तुम्हें बता दूंगी। तो रिजल्ट यहाँ पे 7 अगस्त को आ जाएगा और वहाँ से तुम रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। देन हम डिस्कस करने वाले हैं, मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था तुम्हें मेरिट लिस्ट के बारे में कि मेरिट लिस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो तुम अपने आप भी, और मेरिट लिस्ट के बेसिस पे ही तुम्हारा एडमिशन होगा। तो कैंडिडेट्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितने मार्क्स हैं उनकी मेरिट लिस्ट जो है वो कैलकुलेट की जाती है। तो मेरिट लिस्ट में जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो तुम्हें कौन सी वहाँ पे तुम्हें अपना नेम, रोल नंबर, कैंडिडेट की रैंक, ठीक है, क्वालिफाइंग स्टेटस, बहुत ज़्यादा चीज़ वहाँ पे जब मेरिट लिस्ट आएगी, तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो ये सारी चीज़ तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। एंड अदर क्राइटेरियाज़ के बारे में मैं पहले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुकी हूँ, एल्डर कैंडिडेट्स के बारे में किसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, किसको ज़्यादा रैंक मिलेगी, ये सारी मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। इससे पहले वाली पीजीआईएमआर पे जो वीडियो बनी थी उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वो वीडियो भी अगर तुमने नहीं देखी है तो तुम जाके देख सकते हो। देन डिस्कस करें तो काउंसलिंग के बारे में, तो पीजीआईएमआर जो है काउंसलिंग कंडक्ट कराएगा, अभी जो उसकी डेट नहीं आई है, आएगी तब मैं बता दूंगी। तो ये काउंसलिंग जो होगी वो सेंट्रल काउंसलिंग प्रोसेस होगी, सीट अलॉटमेंट होती है काउंसलिंग में कैंडिडेट्स को, ठीक है, उसी में डिसाइड होता है कि किस किस को सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। कैंडिडेट सेल बी अलॉटेड सीट ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, इनके बेसिस पे उनका क्या होगा, काउंसलिंग होगी। अभी जो मेन वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने काउंसलिंग के टाइम पे, वो डिस्कस कर लेते हैं। सो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं, सबसे पहले तुम्हें मार्कशीट लेके जानी है अपनी, दोनों 10th की और 12th की दोनों मार्कशीट अपने साथ लेके जानी है। कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, अगर जिनका कास्ट सर्टिफिकेट होता है उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। स्पेशल एबिलिटी सर्टिफिकेट विल हैव टू प्रोड्यूस टू रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये सर्टिफिकेट अगर तुम्हारे पास अवेलेबल हो तो तुम लेके चले जाना, ठीक है। ऐसा ये नेसेसरी नहीं होता कि ना भी हो तो भी चलेगा। देन तुम्हें लेके जाना है फ़ोटो आईडी सर्टिफिकेट लाइक आधार कार्ड, पासपोर्ट और अपनी जो, और ये तुम खुद मेंशन किसी भी एग्ज़ाम में कि काउंसलिंग में जाओ तो पेन वगैरह एंड अपनी A4 साइज, मतलब अपनी फ़ोटो, ठीक है, ये वगैरह तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, ये कुछ चीज़ें होते जो तुम अपने आप भी लेके चले जाया करो, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो तुम्हें काउंसलिंग के टाइम पर लेके जाने। अभी डिस्कस करेंगे फ़ीस के बारे में। सो लाइक थोड़ा थोड़ा देखें तो ट्यूशन फीस 250, लाइब्रेरी फीस 30 एंड लेबोरेटरी फीस 120, गेम फीस 15 एंड ऐसे लगा के 535 फीस तुम्हारी लग रही है, ठीक है। और उसके अलावा भी यहाँ लाइक सिक्योरिटी मनी ले रहे तुमसे, ठीक है, माइग्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी, ठीक है, तो टोटल मिला के 5,500, ठीक है, इतनी फ़ीस तुम्हारी लग रही, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया फ़ीस के बारे में एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या क्या लेके जाने हैं। और भी किसी टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और कोई डाउट हो तो वो भी बताओ, और किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी मेंशन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।